सो गाइस वेलकम बैक टू चेयर मेकर। फटाफट से वीडियो को लाइक करें भाई साहब। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति अप्पा मोरिया, गाइस गणपति अप्पा मोरिया प्लीज कमेंट सेशन के अंदर लिख देना भाई साहब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गणपति अप्पा का ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी अपकमिंग मूवी के लिए भाई साहब। यहाँ पे मिशन रानीगंज चाहिए कि नहीं चाहिए भाई साहब। यहाँ पे अब बातें करते हैं गाइस, यहाँ पे सिंघम अगेन देखो कैसा है ना, कि सिंघम अगेन का सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि जितने फैंस हैं यहाँ पे अक्षय बाजी के, हर किसी का बस ये क्वेश्चन है कि यार ये तो अजय देवगन की मूवी है। और कई लोग इस चीज को ले मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई ये अजय देवगन मूवी है और इसके अंदर वीर सूर्यवंशी मतलब अक्षय कुमार का जो रोल होगा काफी छोटा सा होगा, तो बस नाम के लिए वो इस मूवी के अंदर, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वैसा मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग इस चीज को बातें कर रहे हैं कि अक्षय कुमार का बहुत छोटा सा रोल होगा, गाइस ये सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें, एक्चुअली में रियलिटी कुछ और है भाई साहब। यहाँ पे गाइस कुछ मैंने बातें सुनी है और जो सुन करके भाई पर्सनली बताओ तो मेरा दिल खुश होगा। गाइस यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अक्षय पाजी अगर इस मूवी के अंदर प्रॉपर कैमियो प्रॉपर रोल नहीं हुआ भाई मज़ा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है यार, मज़ा नहीं आएगा। देखो अजय देवगन को पसंद करते हैं भाई साहब, रणवीर सिंह को पसंद करते हैं, सबको पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं अपना फेवरेट जब ज़्यादा टाइम स्क्रीन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता नजर आता है तो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। एंड हम लोग भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाई साहब चाहते हैं, हमारे अंदर भूख भरा है कि भाई साहब हमको यहाँ पे अक्षय कुमार एक ज़बरदस्त एक्शन अवतार के अंदर चाहिए। और हम लोगों ने वीर सूर्यवंशी को भाई साहब यहाँ पे देखा सूर्यवंशी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील करना चाहते फिर एक बार। तो भाई साहब यहाँ पे क्या आपको बता दूँ, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए गाइस, इस मूवी की स्क्रिप्टिंग के ऊपर 16 महीने काम चले, क्या लगता है 16 महीने क्या कर रहे थे लोग वहाँ पे, चावल में से कंकड़ निकाल रहे थे भाई साहब। यहाँ पर हर एक बंदे को प्रॉपर ज़बरदस्त रोल देना है भाई साहब। यहाँ पे उनको मालूम भाई साहब, रोहित शेट्टी को मालूम है कि यहाँ पर अक्षय कुमार के फैंस क्या देखना चाहते हैं भाई साहब। कहीं ना कहीं सूर्यवंशी में ज़बरदस्त बम फोड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अक्षय कुमार उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट इस मूवी के अंदर, एंड इसी वजह से भाई साहब यहाँ पे उन्होंने अक्षय पाजी को प्रॉपर स्क्रीन टाइम देने वाले हैं, जो शायद अभी के समय आप लोग नहीं समझ भाई साहब। डेफिनेटली गाइस जो भी होगा ज़बरदस्त होगा, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ गाइस, जो रोल की बातें निकल कर रहे भाई साहब, यहाँ पे जो टाइमिंग निकल कर रहे भाई साहब, आखिर कितने समय तक अक्षय कुमार आपको स्क्रीन के ऊपर मिलने वाले हैं, आखिर कितने समय तक यहाँ पे अक्षय कुमार इस मूवी के अंदर कैमियो करने वाले हैं, क्या 5 मिनट होगा, क्या 6 मिनट होगा, क्या 7 मिनट, क्या 10 मिनट, क्या 11 मिनट, क्या 12 मिनट, क्या 15 मिनट, आखिर कितने समय का होगा। क्या लोग बोल रहे हैं कि भाई 5-6 मिनट कैमियो होगा, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। यहाँ पे वीर सूर्यवंशी का इस मूवी के अंदर कैमियो होने वाला है भाई साहब मोर देन, यस गाइस ध्यान से सुना भाई साहब, मोर देन 25 to 30 मिनट्स भाई साहब, 25 से लेकर के 30 मिनट का यहाँ पर सीन जो है अक्षय पाजी इसका, मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब धमाका बहुत ज़बरदस्त होगा, कहीं ना कहीं एक्शन भरपूर होगा। एंड सिर्फ एक्शन भाई साहब, अक्षय पाजी तो सिंपल सी बात है यहाँ पर हल्की फुल्की कॉमेडी भी वो करेंगे अपने अंदाज के अंदर, वीर सूर्यवंशी के अंदाज के, सो डेफिनेटली मज़ा तो आने वाला है बेटू। जब से मैंने इस चीज़ को देखा भाई साहब, यहाँ पर अक्षय पाजी 25 से 30 मिनट, यस गाइस 25 से 30 मिनट का टाइम निकल करके वैसे भी इतने समय तक अक्षय पाजी इस मूवी के अंदर अपना ज़बरदस्त किरदार निभाने वाले, तो भाई साहब ये कले की खुशी मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान करके मैं बहुत सोचा कि भाई अपने भाई लोग के शायर से तो शेयर करना बनता है भाई साहब। यहाँ पे गणपति अब मौर्या भाई साहब काफ़ी अच्छे खास है, गुड न्यूज़ निकल करके, एंड इस चीज़ों को देख रहे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि यार कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अब वीर सूर्यवंशी का अगर इतना टाइम लोग दे रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई साहब यहाँ पे कैटरीना का भी हल्का फुल्का झलक अपने को मिल सकता है। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सरप्राइज रखा गया होगा यहाँ पे, अभी रिवील नहीं किया जा रहा क्योंकि हर कोई जानता है भाई साहब कैटरीना स्क्रीन के ऊपर आएगी तो ज़बरदस्त धमाका होगा और पब्लिक पसंद करेगी ज़बरदस्त तरीके से, मतलब उनको स्क्रीन के ऊपर देख करके भाई साहब अक्षय पाजी के साथ लोग खुश हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद से चीज़ें हो सकती हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के अंदर अपने अंदर अश्योरिटी रखें कि भाई साहब यहाँ पे वीर सूर्यवंशी इस मूवी के अंदर 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं भाई साहब, यहाँ पे मोर देन 25 to 30 मिनट्स का कैमियो करने वाला है। एंड आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट अ कैमियो भाई साहब, दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कैमियो, एंड डेफिनेटली ज़बरदस्त धमाका करने वाला है। अब देखो अजय सर मचाएंगे भाई साहब यहाँ पे, रणवीर सिंह मचाएंगे, टाइगर भी अपना कैमियो करने वाला है, एंड टाइगर का कैमियो काफ़ी छोटा सा होगा और डेफिनेटली जो भी होगा ज़बरदस्त होगा। एंड कहीं ना कहीं मैं बस ये चाहता हूँ कि अपने अंदर होप बना कर, क्योंकि भाई साहब मुझे हिसाब से और भी कुछ गुड न्यूज़ आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और सिंपल सी बात है यार, 6 महीने की शूटिंग है और अक्षय पाजी का जो पहला शेड्यूल यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब, नवंबर में अक्षय पाजी शूटिंग करेंगे, लगभग यहाँ पे 6 से 7 दिन पहले शूटिंग करेंगे, बाद में आगे चल करके जो उनके डेट्स निकल करके आएंगे उस टाइम शूटिंग करेंगे जब उनको फ्री टाइम मिलेगा तब, लेकिन जब भी करेंगे धमाकेदार करेंगे और भाई साहब मचाएंगे तो जरूर, इस चीज़ की अश्योरिटी रखना और बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं। सो भाई साहब गणपति अप्पा मोरिया कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, और अभी के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।